हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं कटहल के पकौड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये कटहल के पकौड़े बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। जिन लोगों ने ये कटहल के पकौड़े खाए होंगे उन्हें इनका टेस्ट बहुत अच्छे से पता होगा, और जिन्होंने नहीं खाए हैं उनके लिए आज मैं बना रही हूँ। और आप इसे देखकर आप जरूर बनाएं, और आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने से पहले इसे काटने का तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको गलत तरीके से काटेंगे, जैसे कि इसमें से गम निकलते हैं, अगर आप हाथों में और चाकू में तेल लगाकर इसको काटेंगे तो ये आराम से कट जाएगा, वरना इसमें जो गम होते हैं उससे आपके हाथों और चाकू में लग जाएंगे तो ये जल्दी से निकलता नहीं है। कटहल में जो बीज होते हैं बहुत लोगों को पसंद नहीं आते हैं, आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। तो बीज की पीछे की जो परत होती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो खाने में कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम पकौड़े बनाते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप सब्जी बनाएं तो इसको ज़रूर निकाल दें। तो एक कुकर में हमने कटहल को डाल लिया है, अगर आपको आलू पसंद है तो एक आलू इसके साथ काट कर इसमें डाल सकते हैं, ये भी साथ में उबल जाएगा। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी भी डाल देंगे। अब कुकर के ढक्कन को लगाकर तेज आंच पर इसे हम एक सीटी आने तक पका लेंगे। तो कटहल को देखिए हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है, अब इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे और कटहल को अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे। तो कटहल को हमने कुकर से बाहर निकाल लिया था और इसका पानी भी हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब पोटैटो मैशर की हेल्प से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच हम बेसन डाल लेंगे। अब एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच हम लहसुन भी डाल देंगे, इसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। टेस्ट के हिसाब से इसमें हम नमक भी डाल लेंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। चुटकी भर इसमें हम हींग भी डाल लेंगे। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए हम पकौड़े का जो मिक्सचर है उसे तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको हम मिला लेंगे, थोड़ी देर में ये अच्छे से नरम हो जाएगा और इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे आप आराम से बिना पानी डाले ही तैयार कर सकते हैं। तो पकौड़े का मिक्सचर हमारा तैयार है, तो चलिए अब हम पकौड़ा बना लेते हैं। तो गैस ऑन करके देखिए हमने तेल गर्म कर लिया है। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो पर रख के सारे पकौड़े इसमें तलेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो मिक्सर हमने तैयार किया है उसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाकर हम इसमें डाल लेंगे। फ्लेम को हम हाई पे नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारे पकौड़े अच्छे से पकेंगे नहीं, पकौड़े हमारे जल जाएंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम सारे पकौड़े तलेंगे। क्योंकि कटहल हमारा पहले से ही पका हुआ है तो हमारा पकौड़ा ये जल्दी तैयार हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पकौड़ों को हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पकौड़े हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब बाकी पकौड़े भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। जब भी आप बनाएं तो पहले तेल अच्छे से गर्म कर लें और फिर इसमें मीडियम टू लो फ्लेम पे आराम से पकौड़ों को तल लें, इससे पकौड़े अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे और ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बाकी के पकौड़ों को भी अब तल लेते हैं। तो
फ्रेंड्स, हमारे सारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। गैस को हम ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने पकौड़े सब तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, कटहल के पकौड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।